नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज़ भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, देश में पहले चरण के चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस पार्टी को लगा बहुत बड़ा झटका। प्रियंका गांधी के करीबी नेता तजिंदर सिंह बिट्टू ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी में जाने की अटकलें। पंजाब के सीनियर कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के करीबी तजिंदर सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी और प्रियंका गांधी के करीबी तजिंदर सिंह बिट्टू ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर इस्तीफे की जानकारी देते हैं बिट्टू ने कहा कि भारी मन से 35 साल बाद में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने की वजह का खुलासा नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और हिमाचल प्रदेश प्रभारी पद से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देता हूं। सूत्रों के अनुसार वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि वे दिल्ली में सीनियर नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद से एक एक करके कई सीनियर नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले ज्यादातर नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसमें अमरिंदर सिंह, सुशील जाखड़ समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। वहीं कांग्रेस नेता दलबीर सिंह गोल्डी ने आम चुनाव के लिए संगरूर लोकसभा सीट से पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर निराशा प्रकट की और पार्टी का आलाकमान से कहा कि किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया जाए। गोल्डी ने कहा कि वह संगरूर सीट से बुलस्त के विधायक सुखपाल सिंह खेरा को मैदान में उतारने के कांग्रेस के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी ने 2022 के संगरूर उपचुनाव के दौरान उनसे वादा किया था कि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा। धुरे के पूर्व विधायक गोल्डे ने फेसबुक पर लिखा कि पहली बार नहीं है जब उन्हें पार्टी की ओर से टिकट देने से इनकार किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी ये बात करती है कि बड़ा नेता कौन है, छोटा नेता कौन है, बड़ा नेता किसे कहा जाता है, जिसके पास पैसा है, जो वफादार है। गोल्डे ने कहा कि उन्होंने 2012 के राज्य विधानसभा चुनाव में भी पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस।